सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे कमी नजर आती है। बात करने का मजा तो उनके साथ आता है जिनके साथ बोलने से पहले आपको कुछ सोचना ना पड़े। इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आपको 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। बस एक दिन में ही ऐसा काम करो कि पूरी दुनिया आपको 100 साल तक याद रखे। आज का पंचांग 6 अगस्त 2022 दिन शनिवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि रात्रि 2:11 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र शाम 5:51 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 9:17 से 10:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:06 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर 12:06 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मेष राशि 6 अगस्त 2022 दिन शनिवार, कोई लगातार पूरी वफादारी सहायता और समर्थन से आपके साथ बना हुआ है। आज आपके पास इसका बदला उतारने और उसका साथ देने का एक मौका आएगा। आपको उसका साथ देने में एक मुश्किल स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है, पर अनंततः इससे आपका रिश्ता मजबूत ही होगा। आपको दया और कृतज्ञता दिखाते हुए बहादुर बने रहना होगा। कोई नुकसान या अलगाव आपको परेशान कर सकता है, परिवार या जीवन साथी में शांति पाएंगे। जोखिम भरे खर्चों से बचे यह आपको अकेलेपन की भावना से राहत दिलाएंगे। परिवर्तन अपरिहार्य है। अप्रत्याशित स्रोतों से अंतर्दृष्टि और ज्ञान के मोतियों की अपेक्षा करें। प्रियजनों से मुलाकात और एक सफल व्यवसाय का आपका सपना पूरा होने वाला है। खुद पर विश्वास रखें और बड़ा सोचें, क्योंकि आपके विचारों का आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। गलतफहमियों को दूर करने के लिए प्रियजनों से बातचीत करें। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वे कुछ नहीं बदल सकते। आशावादी बने और उजले पद को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। निवेश करना कई बार आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। आज आपको यह बात समझ में आ सकती है क्योंकि किसी पुराने निवेश से आज आपको मुनाफा हो सकता है। आपके फैसले में माता पिता की मदद अहम साबित होगी। कुछ लोगों के लिए जल्द ही शादी की सहनाई बच सकती है, जबकि दूसरे जिंदगी में नए रोमांस का अनुभव करेंगे। कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करें। जो भी आपसे मिले उसके साथ विनम्र और सुखद व्यवहार करें। बहुत कम लोग ही आपके इस आकर्षण का राज जान पाएंगे। यह दिन आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से कुछ हटकर होने वाला है। आपको अपने जीवन साथी की ओर से कुछ खास देखने को मिल सकता है। ग्रह गोचर आपके लिए सुखद स्थिति बना रहा है। नए कार्यों की शुरुआत होगी। मित्रों के साथ घूमने फिरने में, मनोरंजन संबंधित कार्य में भी समय व्यतीत होगा। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधित योजना भी बनेगी। सीमित विचारों से बाहर निकलकर नई बातों के बारे में सोच विचार करें। करीबी व्यक्ति से संबंध सुधारने की कोशिश सफल रहेगी। जिन लोगों से आप जुड़े हैं उनकी प्रगति देखकर आपको प्रेरणा मिलेगी। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें। करियर में बड़ा अवसर जल्द ही प्राप्त होगा। लव रिलेशनशिप से संबंधित चिंता दूर होगी। सेहत में सुधार नजर आएगा। सावधानियां, कहीं भी सोच समझकर पैसा लगाएं। किसी मित्र की भी धन द्वारा सहायता करनी पड़ सकती है। बच्चों की समस्याओं का हल निकालने के लिए भी कुछ समय निकालना आवश्यक है, इससे उनमें आत्मविश्वास आएगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आपको और आपके पार्टनर को एक साथ अच्छा समय बिताए हुए काफी समय बीत चुका है।
अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अपने पार्टनर के लिए कुछ समय निकालें। अपने पार्टनर के लिए कुछ उपहार या कोई काम आने वाली चीज भी खरीद सकती हैं। इससे उन्हें आपके प्यार और देखभाल का अंदाजा भी हो जाएगा। किसी खास की जुदाई के भय के कारण आप अभी तन्हा महसूस कर रहे हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। अपने सोचने व व्यवहार के तरीके को बदलें। अपने पार्टनर को वो सम्मान दें जिसका वो हकदार है। खास लोगों के साथ रहना और कार्यस्थल में विजय पाना आपका सपना है। चिंता न करें, आप ईमानदार और दृढ़ हैं। आज अब जो भी सोचेंगे वो पूरा होगा। यही नहीं, आपके खास लोग भी आपका साथ देंगे और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। अपने जीवन का यह दौर आपको कुछ टचिंग अनुभव प्रदान करने वाला है, इसलिए तैयार रहें। बात करते हैं करियर की। आज स्वास्थ्य संबंधित मामले आपकी प्राथमिकता रहेंगे। हो सकता है कि मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भी जाना पड़े। अभी विदेशी संबंधों या व्यवसाय की भी संभावना है। विनाश भय या धोखा आपको मानसिक समस्याएं प्रदान करेंगे, लेकिन अपने मजबूत इरादों से आप कोई भी जंग आसानी से जीत सकते हैं। जब कुछ बातों की इच्छा शक्ति और दृढ़ होती है तो पूरा ब्रह्मांड उस चीज को आप तक पहुँचाने में सहायता करता है। खुद पर विश्वास करें और महत्वाकांक्षाओं को उच्च रखें, क्योंकि आपके सितारों का आपके प्रयासों पर भी प्रभाव पड़ता है। आज आप सबसे बड़े ग्राहकों में से एक के साथ अपने सौदे को अंतिम रूप दे सकती हैं। उनके साथ एक लंबी अवधि के अनुबंध पर आप हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ें। ग्राहक वित्तीय संसाधनों से परिपूर्ण है, जिससे कि आपके कार्यालय पर वित्तीय बोझ कम होगा। आपको अगर ग्राहकों से और सौदे लेने हैं तो आपको अपने सामान्य ज्ञान का अच्छा परिचय देना होगा और साथ ही साथ उन्हें एक अच्छी व्यापारिक सेवा भी देनी होगी। व्यवसायिक स्थल पर आपकी उपस्थिति से कर्मचारी के बीच उचित व्यवस्था बनी रहेगी और आपके सभी काम सुचारू रूप से होते जाएंगे। परंतु मंद गति से नौकरी पेशा व्यक्तियों के काम से भी उनके बॉस व अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। बात करते हैं सेहत की। सुगर, ब्लड प्रेशर आदि की समस्या रहेगी। तनाव, चिंता जैसी गतिविधियों से अपना बचाव करें। आप पिछले कुछ दिनों से चिड़चिड़े और परेशान सा महसूस कर रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य की कीमत पर दूसरों का बहुत अधिक ध्यान रखने में लगे हुए हैं। अब समय आ गया है कि आपको यही प्यार अपने लिए भी दिखाना होगा। अपने खाने पर ध्यान दें, खूब आराम भी करें और अपने शरीर को आराम देने और खुशी महसूस करने के लिए ब्यूटी पार्लर में भी जा सकते हैं। इससे आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।